मुझे गिफ्ट? हाँ। मगर तुम्हें पता ना, सिर्फ एक दो चीजें ही मिलेंगी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उनको देखकर ही पता चलेगा कि क्या अच्छा है। हाँ चलो अच्छी बात है, तुम लिस्ट बना लो। उन चीजों के स्पेलिंग भी आते हैं तुम्हें? हाँ कुछ कुछ। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सब कैसा चल रहा है? ठीक है। मुझे ऑकलैंड जाना है, हम बाद में देखते हैं। मुझे किस दो। इसको यहाँ से कब तक मिटाएंगे आप लोग? मुझे नहीं पता, तुमने कौन बोला? और ये वाई, वाई के बारे में हमने बात की थी, यहाँ पर आए है। हैप्पीनेस में वाई की जगह पर आए होता है। मेरे भाई मुझे इस सब का नहीं पता। We'll be right back.
$13 बिलियन था और आज $75 बिलियन है। इन 20 सालों में हमारी आबादी में 23.3% इजाफा हुआ है। मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं? मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। स्टॉक ब्रोकर, इसके लिए तो कॉलेज जाना लाजमी होता होगा। बिल्कुल नहीं, बस ज्यादा नंबर स्टाइल करो, लोगों से अच्छा बोलो, बस अपना ख्याल रखिए। देखो 2-3 दिन में मेरी गाड़ी वापस कर देना, वो भी धो के। ओके, मीटर चेक कर लेना। मुझे आज भी याद है, वो सब लोग मुझे बहुत खुश नजर आ रहे थे, मैं ऐसा क्यों नहीं दिख सकता था? Why couldn't I look like that? मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा और उसके बाद स्टॉक मार्केट जाना है, थोड़ा काम है मुझे। किस लिए? नौकरी ढूंढना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कैसी नौकरी? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर? हाँ। इससे बड़ी नौकरी नहीं है? What job? Stock broker. Astronaut? ऐसे बात मत करो लिंडा, मैं वहां देखने जा रहा हूँ कि क्या काम है और मैं दिन में ये काम करूंगा भी। तुम्हें अपने इसी काम पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरी सेल्स कॉल्स के बारे में तुम मुझे ना बताओ लिंडा, क्योंकि मैं 3 कर चुका हूँ, वो भी ऑफिस खुलने से पहले ही। तुम्हें पता है अगले हफ्ते घर का किराया भी देना है? नहीं पता, हमने 2 महीने से किराया नहीं दिया और अगले हफ्ते 3 महीने हो जाएंगे। मैं डबल शिफ्ट काम कर रही हूँ पिछले 4 हफ्तों से। बस जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा करो और अपनी जान छुड़ाओ इस बिजनेस से। लिंडा, मैं बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं करना चाह रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, तुम्हारे और क्रिस्टोफर के लिए। क्या मसला है तुम्हारे साथ? लिंडा, होशियार हम सहती है फिर भी चुप। मेरी जिंदगी का ये हिस्सा कहलाता है बेवकूफी। क्या आप मेरा थोड़ा सा काम करेंगे? ये मशीन यहाँ पे पड़ी है थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए। असल में मेरी मीटिंग है और मैं इसे अंदर नहीं ले जाना चाहता, आप समझ रहे होंगे। ये $1 और जब मैं वापस आऊँगा तो आपको और पैसे दूंगा। ओके, देखें ये इतनी महंगी नहीं है और आप इसे कहीं भी बेच भी नहीं सकती। मैं भी इसे नहीं बेच सकता और ये मेरी जॉब है। ओके, मैं अभी आया। क्रिस जी, मैं टिम प्रोफ हूं। आप कैसे हैं सर? आओ मेरे साथ। जी सर, मैं तुम्हारे लिए इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, ये मेन ऑफिस नहीं है। विसल मेन ऑफिस में होते हैं और वही हमारी निगरानी करते हैं और मैं इसी ऑफिस में होता हूँ। तुम देख सकते हो कि अब तक इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है। आमतौर पर हमने CVs की एक लिस्ट बनाई होती है जो मुझे मिलने ही नहीं, और हम आपका बहुत शुक्रिया सर, मुझे जाना होगा। मैं वापस दे दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऐसा क्यों किया? एक्सक्यूज मी, पीछे हटिएगा प्लीज। जैसा कि मैंने कहा, मेरी जिंदगी का
ये हिस्सा बेवकूफी कहलाता है। इस प्रोग्राम में हफ्ते माह में सिर्फ 20 लोगों को लिया जाता था और नौकरी सिर्फ एक को मिलती थी। इसमें हाई स्कूल के बाद की तालीम लिखने के लिए 3 लाइनें थी। मुझे इतनी लाइंस की जरूरत नहीं थी। जो मुख्तलिफ रंगों से बनाया गया है। जब आप इसको इधर उधर घुमाते हैं तो हर साइड पर एक ही रंग आ जाता है। ये छोटा सा क्यूब 1981 का शानदार तोहफा है। इसको आसान मत समझे, मगर यूएसएफ के एक प्रोफेसर ने इसको सिर्फ 30 मिनट में सॉल्व कर लिया था। इस वक्त जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। मैं हूँ जिम फिनरी, KISF, रिचमंड से। हाय, उठ जाओ, नाश्ता करो। बाय बेटा, इसे बेच कर ही आना प्लीज। हाँ, आज मैं इसे बेच डालूंगा, इसलिए इसे गुड बाय बोल दो, वापस नहीं आएगी ये। गुड बाय और निजात पाओ इससे। निजात वाला लफ्ज ज्यादा हो गया वैसे। बाय मॉम। बाय। वहाँ पे PPY लिखा हुआ है, लेकिन हैप्पीनेस में आ जाता है भाई। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं, वो एक नाउन है, लेकिन उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी हुई। बाकी स्पेलिंग तो ठीक है ना? हाँ, उसकी स्पेलिंग ठीक है, लेकिन वो बच्चों के पढ़ने का लफ्ज नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम वो ना सीखो। बड़ों के लिए है वो, जब बहुत गुस्से में हो तब बोलते हैं। वैसे भी मगर तुम उसको इस्तेमाल मत करो। ठीक है। ये तुम्हारे बैग के पीछे क्या लिखा हुआ है? मेरा निकनेम, वहाँ हम निकनेम रखते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा क्या है? आयरन रॉड। आपका भी कोई निकनेम है? हाँ। कौन सा? बड़े सर वाला। क्या मतलब आपका? मैं लुजियाना टेक्सास में बड़ा हुआ था और वहाँ पे सब लोग कॉबॉय हैट्स पहनते थे, तो मेरा हैट बहुत बड़ा होता था। मैं उस वक्त बहुत स्मार्ट था, तो मेरा सर बहुत नुमाया हो जाता था। हॉस हैट पहनता है? हॉस का नहीं पता, एक कार्टून है। तुम्हें बोनांजा का कैसे पता? हम मिसेस चियो के घर देखते हैं। तुम डे केयर में बोनांजा देखते हो? जी। वो कब देखते हो तुम? जब तुम खाना खाने के बाद या लव बोट के बाद? मैंने अपनी लिस्ट बना ली है अपने बर्थडे के लिए। तुमने क्या लिखा उसमें? एक बास्केटबॉल या छुट्टियों का फॉर्म। वो कह रहा था कि वो टीवी देखता है यहाँ। हाँ, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के लिए। लव बोट हिस्ट्री के लिए? नेवी। वो नेवी की हिस्ट्री नहीं है मैम। देखिए, वो टीवी घर पे भी देख सकता है। हम आपको $150 दे रहे हैं एक महीने के, और अगर उसने यहाँ पे टीवी ही देखना है तो हम उसे यहाँ से ले जाते हैं। ओके, अगर तुम्हें नेवी टीवी पसंद नहीं तो जाओ किसी और डे केयर पर, ज्यादा पैसे दो। एक तो तुम फीस देर से देते हो, ऊपर से कंप्लेन भी करते हो। क्या आप कम से कम इस कुत्ते को दो ओवर वाले फ्लोर पे छोड़ सकती हैं या कहीं और? बाय। रिसोर्स के हेड जेट ट्विसल का इंतजार कर रहा था, जिनका नाम सुन के यूं लगता था जैसे वो मुझे देखते ही गले लगा कर जॉब दे देंगे। मुझे उन्हें बस ये दिखाना था कि मैं हिसाब किताब में बहुत अच्छा हूँ, और लोगों के साथ भी।
गुड मॉर्निंग जैन। मिस्टर ट्विसल, क्रिस गार्डनर। हाय। सर, मैंने सोचा कि मैं ज़ाती तौर पर ये आपको पकड़ा था ताकि आपको याद रहे। ठीक है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप देख के बता सकते कि मेरी एप्लीकेशन में क्या खामी है, लेकिन लगता है ठीक है, हम यहीं से शुरू करेंगे। हो सकता तो आपको कॉल कर देंगे। जी सर, खुश रहे सर। तुम भी। कैसे आप? मैं क्रिस गार्डनर बोल रहा हूँ, डॉक्टर डेल्सी से बात करनी है। देखिए, मुझे एक सेल कॉल को अटेंड करना है, मुझे देर हो रही है, तो मैं सोच रहा था कि हाँ, ऑस्ट्रियन नेशनल जी, हम चाहे तो अभी आधे घंटे। जी, ज़बरदस्त, बहुत रो, थैंक यू, थैंक यू। के लिए काम करता था जो सारा दिन गोल्फ खेला करता था, बिल्कुल सारा दिन, और मैं उनकी
खैर मौजूदगी में उनके सारे मरीजों का तिबी मुआयना भी किया करता था, और मैं ऐसी पोजीशन में रहने का आदि हूँ जहाँ मुझे बड़े बड़े फैसले करने पड़े। और मिस्टर ट्विसल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, माफ करना ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं ये कर सकता हूँ? तुम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सका, मुश्किल है। मुझे लगता मैं कर सकता हूँ। नहीं कर पाओगे, दिखाए मुझे दीजिए। तो आपने वाकई इसको बहुत खराब कर दिया है। सॉरी। ये लगता है जैसे ये किसी मरकजी पॉइंट पर घूमता है तो, और सेंटर वाला पीस कभी नहीं घूमता, तो अगर सेंटर में येलो है तो ये येलो वाली साइड, जैसे कि ये रेड साइड है तो थोड़ा आहिस्ता चलो। अगर हम सारा दिन भी घूम ले तब भी ये तुमसे नहीं होगा। मैं कर लूंगा। कर सकता हूँ। नहीं होगा, मुझे पता है ना, नहीं होगा तुमसे। हो जाएगा। मैंने कहा ना कोई भी नहीं कर सका। देखा, समझ गया, शाबाश, खुदा हाफिज। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। सर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जी, मुझे बताएं। अब आपने कहाँ जाना है? वो बस मुझे एक दो ब्लॉक्स पीछे उतार दीजिए, गाड़ी घुमा लीजिए आप। ठीक है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें जान से मार लूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
है। हाँ सॉरी सॉरी, मैं वक्त पे घर नहीं पहुँच सका। मैंने अपनी शिफ्ट मिस कर दी है। हाँ मैं जानता हूँ और आई एम सॉरी। अब मैं बस घर आ ही रहा हूँ, क्या तुम वहीं पे हो? मैं जा रही हूँ क्रिस, मैं जा रही हूँ। क्या सुना नहीं मैंने क्या? मैंने अपना सामान बांध लिया है और अपने को भी लेकर जा रही हूँ। हम अभी निकलने वाले हैं। मैं फोन रखने लगी। लिंडा, लिंडा सुन, मेरी बात सुन। और उस लम्हे मैंने थॉमस जेफरसन के बारे में सोचना शुरू किया और आजादी के मंशूर के बारे में, और मंशूर का भी वो हिस्सा जिसमें उसने आजादी, जिंदगी और खुशियों के ताकुब के बारे में लिखा था। और मैं सोचना शुरू हो गया, उसे कैसे अंदाजा था कि ताकुब का लफ्ज इसमें होना चाहिए। शायद खुशी एक ऐसी चीज है जिसका हम सिर्फ ताकुब ही कर सकते हैं, और जो शायद हमारे नसीब में नहीं है। समझ नहीं आती उसे ये कैसे पता था। मॉम कहाँ है? तुम बस अपना सामान उठाओ। लेकिन उन्होंने तो कहा था आज वो मुझे पिक कर।
से बात हुई थी और सब कुछ ठीक है। ओके मैं आज कहाँ पे सोऊंगा? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? क्योंकि मैं खुश हूँ, और अगर तुम खुश हो और मैं भी खुश हूँ तो ये अच्छी चीज है ना जी। ओके तुम आज रात मेरे साथ सोओगे और तुम वहीं अपने घर में रहोगे जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है। ओके
कॉर्नर। इस तरफ। जी इस तरफ आइए। वो नंबर दोबारा से मुझे लिखवाना। क्रिस गार्डनर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्रिस गार्डनर। क्रिस गार्डनर, गुड मॉर्निंग। मिलकर खुशी है सर। क्रिस गार्डनर, मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठा यही सोच रहा था कि मैं कोई ऐसी कहानी बनाऊं जिसमें मैं आपको बता सकूं कि मैं यहाँ इस हालत में क्यों आया हूँ। और मैं ऐसी कहानी बनाना चाहता था जो आपको मुतासर भी करे। मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ईमानदारी है, कमिटमेंट है, टीम प्लान है। कोई ऐसी कहानी बनाऊं, लेकिन ऐसी कोई कहानी मेरे जहन में नहीं। तो सच्ची बात यह है, मुझे गिरफ्तार किया गया था पार्किंग टिकट ना भरने की वजह से। पार्किंग टिकट? पुलिस स्टेशन से भागता हुआ यहाँ पर पहुंचा हूँ सर। गिरफ्तार होने से पहले तुम क्या कर रहे थे? मैं पेंट कर रहा था अपना पूरा अपार्टमेंट। खुश्क हो गया है कि नहीं? उम्मीद तो है सर। जे ने बताया कि तुम काफी पूर्व उम्मीद हो। ये पिछले एक महीने से बिल्डिंग के सामने खड़ा इंतजार कर रहा है और बहुत ही पूर्व उम्मीद है। मेहनती दिखाई देते हो। काश ऐसा ही हो। और तुम ये बिजनेस सीखना चाहते हो? जी सर, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। क्या तुमने से पहले से सीखना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल सर। जे। जी सर। तुम क्रिस से कितनी बार मिले हो? मुझे याद नहीं, शायद एक दो बार। क्या पहले कभी ये इस लिबास में नजर आया है? नहीं, हमेशा जैकेट और टाई में। स्कूल में फर्स्ट क्लास? स्कूल, हाई स्कूल? जी सर। कितने लोग थे क्लास में? 12 लोग। ठीक है, लेकिन इसके साथ में अपनी रेडार क्लास में भी फर्स्ट था और नेवी की क्लास में भी, और उसमें 20 लोग थे। क्या मैं कुछ कहूं? मैं इस किस्म का आदमी हूं, अगर आप मुझसे कुछ पूछें और मेरे पास उसका जवाब ना हो तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। मगर एक बात जरूर है, मैं उसका जवाब लाके दूंगा और वो मैं हर कीमत पे करके दिखाऊंगा। क्या ये मुनासिब नहीं? क्रिस, तुम्हारे ख्याल में अगर कोई लड़का बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आए, मैं उसे रख लूं, तो तुम क्या कहोगे? उसने फिर जरूर बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी। क्रिस, मुझे नहीं पता तुमने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की, लेकिन तुमने अंदर कमाल कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर ट्विसन। अब तो मुझे सिर्फ जे बुलाओगे, फिर बात होगी। मैं तुम्हें बता दूंगा जे। मुझे बता दोगे? क्या मतलब? हाँ, मैं तुम्हें कल दिन में किसी वक्त कॉल करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, यहाँ खड़े होते थे। सुनो, यहाँ कोई सैलरी नहीं है। नहीं, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे हालात बहुत बदल गए हैं, तो मुझे ये यकीन दहानी करनी होती है कि मैं ठीक है। आज रात तक मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सीट पक्की कर दूंगा। जरा सोचो, अगर तुमने इनकार किया तो मेरे पार्टनर्स क्या कहेंगे? हाँ, गधा कहेंगे, जानता हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही है। बहरहाल तुम भी बहुत अजीब हो, सिर्फ आज रात तक। वहां कोई सैलरी नहीं थी और ना ही जॉब की कोई गारंटीज थी। इंटर्नशिप के बाद 20 लोगों में से सिर्फ किसी एक शख्स को सिलेक्ट किया जाना था, और अगर आप वो शख्स नहीं है तो आप ब्रोकरेज के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। और इन 6 महीनों के लिए मेरे पास सिर्फ एक जरिया था, वो थे मेरे 6 स्कैनर्स, जिन्हें बेचने की कोशिश करनी थी मुझे।
अगर मैं वो सारे बेच दूं तो हो सकता है कि हम इस मुश्किल में से निकल जाए। न्यूयॉर्क जा रही हूं। मेरे बहनोई ने एक रेस्टोरेंट खोला है और उन्होंने मुझे जॉब की ऑफर की है, इसलिए मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा। मैं उसकी माँ हूँ, तुम जानते हो। उसे मेरे साथ रहना चाहिए, साथ रखना मेरा हक है। तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती। कहां से कमाओगे? मैंने कल सुबह डीन वेटर पे एक इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था, वो मुझे मिल गया है, इसलिए मैं अब ये प्रोग्राम पूरा करूंगा। सेल्समैन से वापस इंटर्नशिप? ऐसा नहीं है, मुझे जाना है। बताना मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम इसका बहुत ख्याल रखोगे, जानती हूँ मैं। जी हेलो, जी मैं एक पैगाम छोड़ना चाह रहा था मिस्टर जेट विसल के लिए। आपका नाम? जी मेरा नाम क्रिस गार्डनर है, और पैगाम ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए आपके इस प्रोग्राम में। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे आपकी दावत कबूल करने में बहुत खुशी होगी। जी कुछ और? जी बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। Thank you.
से रखना। क्या? मैंने कहा ध्यान से रखना। ठीक है। पता है आज क्या दिन है? हाँ। बताओ। सैटरडे। तुम्हें पता है ना हफ्ते का क्या मतलब है? जी। वो क्या? बास्केटबॉल। तुम्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना है? ठीक है। ओके, उसके बाद हम एक बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने के लिए जाएंगे, ठीक है ना? चलोगे ना? क्या कह सकता हूँ, तुम तो इस उम्र में भी मुझसे अच्छा खेल लेते हो। असल में मैं बहुत बुरा खेलता था, लेकिन तुम्हें और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम इसमें कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम बस इसके लिए रह जाओगे और दूसरा कोई भी काम नहीं कर पाओगे, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। ओके? हाँ, ठीक है। ठीक है। समझे कि आपने मछली पकड़नी है और हम उसे पकाएंगे।
आप में से कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को जानते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और आप लोगों में से ही एक शख्स कुछ बनेगा और वो शख्स होगा जो इसको तब्दील करेगा और पूरे $8,000 का कमीशन बनाएगा। आप और आप मेरी मदद करेंगे। इस किताब को अपनी बाइबल समझो। आपको इसके साथ खाना है। ये बहुत सादा था, जितने ज्यादा नंबर्स उतने ज्यादा मौके, जितने ज्यादा मौके उतने ज्यादा कस्टमर्स, और जितने ज्यादा कस्टमर्स उतने ही कंपनी के अकाउंट में पैसे। तुम्हारे इम्तहान होंगे, गौर से सुनो। पिछले साल एक अटर्नी ने एग्जाम्स में 96.4 मार्क्स हासिल किए थे लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये सिंपल फेल पास का चक्कर नहीं है, ये आपको शॉर्ट लिस्ट करने का एक तरीका है। 100 नंबर लें और अपने आप को महफूज करें। ओके, 10 मिनट की ब्रेक लें और वापस आएं। मिस्टर फ्रॉय, मैं क्रिस। ओह क्रिस, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए सर? बिल्कुल ठीक। पूछने का जी, आज मेरा पहला दिन था यहाँ, एक्साइटेड हूँ। कहीं तुम हमें छोड़कर तो नहीं जा रहे? नहीं, 10 मिनट की ब्रेक है, भाई से कुछ खाऊंगा और फिर इम्तिहान की तैयारी शुरू। मुझे बस अपने वाला याद है, हमारे दौर में 1 घंटा मिलता था, तुम्हारी तरह 3 घंटे नहीं। ना हमने वर्ड मार्केट की, ना टैक्सेस पर ध्यान दिया। याद करके मजा आता है। उस क्लास में खूबसूरत लड़की भी होती थी, मुझे उसका नाम तो याद नहीं लेकिन उसका चेहरा अच्छी तरह से। मैं चला जाऊं? हाँ जाओ, जाओ। बात करके खुशी सर। सोच रहे थे अभी तुमने मेरे हाथों मर जाना था। मैं सड़क पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा जूता कहाँ है? क्या तुमने मेरा जूता घुमा दिया है? मुझे नहीं पता तुम्हारे जूते का। मुझे बताओ मेरा जूता कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या आपने देखा? आपने मेरा जूता देखा? मुझे भी नहीं पता। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। जॉब पे जाना है। मेरी गाड़ी से तुम्हारी टक्कर हुई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं डीन विटल पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ओके आपका एक जूता नहीं है? हाँ शुक्रिया, थैंक यू।
छह माह में जो भी सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे करता था जॉब उसी को मिलती थी। जी मुझे मिस्टर विल्टरहार से बात करनी है। हम सब अपने हिसाब से कॉल शीट्स पर काम कर रहे थे। मैनेजर से लेकर ऊपर तक काम कर रहा था सर, चपरासी से लेकर सीईओ तक। बाकी सब लोग 7 बजे तक रुकते थे, लेकिन मेरे साथ क्रिस्टोफर था, इसलिए मुझे 9 घंटों का काम सिर्फ 6 घंटों में करना था। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ क्रिस गार्डनर। वक्त जाया ना हो इसलिए मैं कभी फोन अपने कान से नहीं हटाता था। ओके, बहुत शुक्रिया सर। मुझे एहसास हुआ कि फोन ना रखने की वजह से मैं हर दिन के 8 मिनट इजाफी काम कर रहा था। गुड मॉर्निंग टू यू सर, मेरा नाम क्रिस गार्डनर है, डीन वेटल से। मैं पानी भी नहीं पी रहा था कि कहीं मेरा वक्त बाथरूम में जाया ना हो। जी सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ओके, कोई मसला नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मगर ये सब करने के बावजूद 2 माह बाद भी मैं अपनी शीट के ऊपर तक नहीं पहुंच सका था। वॉल्टर रिबन ऑफिस। जी मेरा नाम क्रिस गार्डनर है, मिस्टर वॉल्टर रिबन से बात करनी है मुझे। किस सिलसिले में? जी मैं डीन वेटर से बात कर रहा हूँ। एक मिनट वेट करें। मिस्टर रिबन। हेलो सर, मेरा नाम क्रिस गार्डनर है, मैं डीन वेटल से बात कर रहा हूँ। हाँ क्रिस। जी मिस्टर रिबन, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता था। असल में मैं अपनी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता था, मुझे यकीन है कि आपको वो पसंद आएगी। क्या तुम 20 मिनट में आ सकते हो? 20 मिनट? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने अभी एक मीटिंग कैंसिल की है, अगर अभी आ सकते हो तो ठीक है, क्योंकि मंडे रात को रग्बी का मैच है। जी सर, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। और गाड़ी को भी ध्यान से लॉक करना, समझ आई? साथ लेकर जाऊंगा। एक तो डॉक्टर्स के ऑफिस जाना है, यू नो, कुछ सेल्स कॉल्स है। ओके ठीक है।
जब मुमकिन है। सच्ची? हाँ, मैं इसको कहीं नहीं छोड़ सकता और शायद ही हम गेम पर जाएं। ओके, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे काम के सिलसिले में किसी को मिलने। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आ रही तुम्हें? क्या हम गेम देखने जा रहे हैं? मैंने कहा था कि शायद हम गेम देखने चलें। तुम्हें पता है शायद का मतलब क्या है? जैसा कि गालिबन? नहीं, गालिबन का मतलब होता है कि ये काम होने के बहुत से मौके हैं, लेकिन मुमकिन का मतलब है शायद हम जाएं शायद ना जाएं। तो गालिबन का क्या मतलब है? इसका मतलब जाने के चांस ज्यादा है। और मुमकिन का क्या मतलब? इसका मतलब मुझे पता है। क्या मतलब है इसका? मतलब हुआ हम गेम देखने नहीं जा रहे। तुम इतने ज़हीन कैसे हो गए? क्योंकि आप अकलमंद हैं। क्या हम पहुंच गए हैं? मिस्टर रिबन जी, आप कैसे हैं सर? क्रिस गार्डनर से। ओह हाय हाय, ये मेरा बेटा बाय।
चार माह बाद हम अपने सारे स्कैनर्स बेचने में कामयाब हो गए। शुक्रिया, जैसे हमारी बात बन गई हो। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा? जैक रैबिट। जो लगता था जैसे हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन, उस दिन एक खत मुझे फिर से जमीन पर ले आया। मेरी जिंदगी का ये हिस्सा कहलाता है टैक्स भरना। अगर आप वो नहीं भरते तो गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में भी हाथ डाल सकती है और आपका पैसा जब्त कर सकती है, वो भी बगैर किसी इत्तला के और खबरदार किए। तुम इतनी देर नहीं कर सकते, वो मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे, उनको कोई जाकर कैसे ले सकता है? अरे मेरी बात सुनो, सुनो, देखो ये इन पैसों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम इसे मेरे बैंक अकाउंट। ये 25 सितंबर का दिन था, वो दिन मुझे याद है क्योंकि वो दिन था जब मुझे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ $21.33 बचे थे। मैं दिवालिया हो चुका था। कपड़े पहन लिए? $14 वापस लेने के लिए आया हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं देने। क्या? क्यों? क्यों क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने मेरे पैसे नहीं देने? तुम्हारा सामान शिफ्ट किया, तुमने मुझे 2 ब्लॉक्स दूर छोड़ा। सिर्फ 200 गज थे वेन, पूरे 4 महीने हो गए हैं। अब पैसे दो मुझे और मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। सॉरी वेन, वो मेरे पैसे दो मुझे यार। जाओ और मेरे पैसे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे देखो, वो मेरे $14 थे, मुझे मेरे पैसे दो। मैंने कहा ना, मुझे मेरे पैसे दो वेन। समय
समझ नहीं आ रही कि ये इस वक्त क्यों नहीं चल रही। अभी मुझे वापस जाना है। नहीं नहीं सर, आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपके सामने इसको ठीक कर लेता हूँ। आई एम श्योर। क्रिस, जब ये ठीक हो जाए तो इसे ले आओ। मुझे इसे अभी ठीक करना होगा। नहीं देखो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं पैसे ऑफिस में ही रख रहा हूँ, ठीक है? मुझे बहुत जरूरी जाना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दोबारा मुलाकात होगी। सामान क्यों बाहर पड़ा है डैड? बस यहाँ से निकलो। क्यों? हम आज रात यहाँ पे नहीं रुक सकते। मुझे सोना है, दरवाजा खोले। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आओ चलो यहाँ से। खोले, खोले इसे। चुप करो, चुप हो जाओ। उठो, खड़े हो जाओ। चलो शाबाश। ये वाला
जाएगा किसी भी जगह पर। आंखें बंद करनी होगी। आप आंखें बंद करो, मुझे तो देखना है। ठीक है, आप बटन पुश करो। चलो शाबाश, अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हें कुछ सेकंड्स लगेंगे। ओह मेरे खुदाया, अपनी आंखें खोलो जल्दी। ये क्या है? डायनोसॉर्स। कहाँ? तुमने ये सारे डायनोसॉर्स देखे? देखो तो सही, सारे डायनोसॉर्स को तो देखो। नजर आए? यस। अरे बात सुनो, इधर आओ मेरे साथ, ठहरो, देख के जरा। ये क्या है? आग पे पांव मत रखो, हम घरों में रहने वाले हैं। हमने ये आग जलाई है क्योंकि हमें जिंदा रहना है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। वो देखे, वो देखे। अरे ये तो एक बहुत बड़ा दरिंदा आ गया। चलो अपना सामान उठाओ, जल्दी करो, भागो यहाँ से। हमें महफूज जगह पहुँचना होगा। जैसा कि वो हमें एक घर में, हमें कोई घर ढूंढनी होगी। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, जल्दी। अपने पीछे देखो, चलो जल्दी करो, ये घर आ गई। आ जाओ यहाँ, जाओ, चलो चलो जल्दी करो, चलो अंदर छुप जाते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हम महफूज हैं यहाँ। हाँ लगता तो है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना? बाकी सब ठीक है। अच्छे लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ सैक्रामेंटो, क्योंकि असल में मैं वहाँ से दो लोगों को शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। वो मैकबेल में है और मैं चाहता था कि वो यहाँ आ जाए, तो मैं उनके साथ गोल्फ खेलने के लिए चला जाया करूँगा। बहुत खूब, गोल्फ में भी दिलचस्पी है। सुनो, अब सिर्फ चार कमरे बाकी रह गए हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। पीछे हटना भाई, तुम्हारे साथ है। ओ ना हटो, देखो ये मेरी जगह है। कट्टा हट जाओ, तमीज से रहो। छोड़ो, छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, यहाँ बस करो,
उन्होंने कहा था कि हमें टाइम पे पहुंचना होगा और मैं वक्त पर यहाँ पहुंचा और मैं लाइन में था। मैं काम से वापस आया और मैंने अपने बेटों के लिए और मैं यहाँ टाइम पर पहुंचा था, पूरे टाइम पर। उस आदमी ने लाइन तोड़ी है। किसने? इसने। चलो चलो इधर आओ, लाइन से बाहर निकल जाओ। चलो बस जगह खत्म हो गई है। तुम्हारा फेवरेट कलर? ग्रीन। ग्रीन, और उसकी वजह? दरख्त। दरख्त, किस किस्म का? मुकद्दस दरख्त। मुकद्दस, अच्छा। क्रिसमस वाला? हाँ, क्रिसमस वाला। ये क्या हुआ? शायद वो चाहते हैं कि हम लोग सो जाएं। Oh, 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 oh
मैं तैयार हूं। जेफ गेम में मिले थे, है ना? वो मुझे कॉल करने वाले थे। मेरे पास नंबर ही नहीं था। ओ हाँ, ये लो मेरा कार्ड, मुझे कॉल करना। जी सर, मैं जरूर कॉल करूंगा आपको। क्रिस, जरा मुझे $5 देना, मैं अपना वॉलेट ऊपर भूल आया। मैं ऊपर से जाके आपका वॉलेट ले आता हूँ मिस्टर फ्रॉम। देखो मुझे 4 बजे तक बैंक पहुँचना है, देर हो जाएगी। रुको रुको, बस आ गया। मैं वापिस कर दूंगा। 5 काफी होंगे? बस $5 चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब सुन ले, जगह खत्म हो गई है, अब कोई कमरा खाली नहीं बचा। आज इतने ही थे, कल आइएगा, सब कमरे फुल हो गए हैं। यहां से चले जाइए, कल दोबारा आ जाइएगा। ये रहे आपके पैसे। ये लीजिए बल्ब और ये रहे आपके कोर इंडक्टर्स। कितने पैसे? $8। ये क्या है? ये लाइट को रिपेयर करने के लिए। मैं देख सकता हूँ? हाँ, देख लो, मगर इसे तोड़ना मत, नहीं तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ कमरे में सोना होगा। मुझे कोई मसला नहीं, मगर हो सकता है। मेरी वजह से घर छोड़ा है?
सोचना भी मत, कभी दोबारा ऐसा मत सोचना। मॉम ने घर अपनी वजह से छोड़ा और तुम्हारा उसमें कोई भी कसूर नहीं होगा। ठीक है। आप अच्छे पापा हैं। लगता है बेहतर हो गई है। ये तो चल पड़ी। हाँ शुक्रिया। $250 यानी 4 हफ्तों के ऑक्सीजन। 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 30, 40, 50 और कुछ नहीं। सर थैंक यू, थैंक यू। तुम तैयार हो? जी। ओके। हम चर्च वाली जगह पर जा रहे हैं। नहीं तो। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? हम आज होटल में रहेंगे। होटल में? सिर्फ एक रात के लिए। आप चाहें तो हम उस घर वापस भी जा सकते हैं। हाँ, नहीं शुक्रिया आपका। हमेशा के लिए? उम्मीद तो है। क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि पहली दफा कई चीजें बहुत मजे की लगती है, लेकिन दूसरी दफा शायद वैसी नहीं रहती। जैसे कि बस? हाँ, बिल्कुल बस। जी सर, मैं पिछले महीने के सेमिनार में आपकी मुआवनत के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। जी सर बिल्कुल। हाँ जी सर। नहीं सर, बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका। ओके क्रिस,